प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट जो अपना सेकंड पेपर हमने शुरू कर रखा है जिसका नाम था कवक सूक्ष्मजीव विज्ञान एवं पादप रोग विज्ञान, तो हमने प्लांट पैथोलॉजी शुरू कर रखी है। प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान, और इसके अंदर हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से ये पादपों के अंदर जो रोग हैं वो उत्पन्न होते हैं। अपने सिलेबस के अंदर कुछ डिजीज दी हुई हैं जिनके बारे में हम बाद में अगली क्लासेस में हम बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, पादप रोगों का वर्गीकरण क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, पादप रोगों का वर्गीकरण, इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं परपोषी में प्रभाव के आधार पर। पहला जो डिजीज का टाइप जो है वो है पर पोसी में प्रभाव के आधार पर। परपोसी में प्रभाव के आधार का मतलब है कि ये जो डिजीज है वो किसी ना किसी पैथोजन की वजह से होती है जिसको हम बोलते हैं रोगजनक। अब जब ये पादप के अंदर ये डिजीज उत्पन्न होती है तो उस डिजीज का इफेक्ट उस प्लांट के शरीर पर या उस प्लांट बॉडी पर कहाँ कहाँ दिखाई देता है या कहाँ कहाँ उसका इफेक्ट जो है वो होता है, तो इसके आधार पर हम बात करते हैं। तो इसके अंदर दो प्रकार हैं, एक तो है लोकलाइज्ड और दूसरा है सिस्टेमिक डिजीज। पहला जो टाइप है वो है लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड डिजीज, यानी इसको हिंदी में कहा जाता है स्थानीय रोग। स्थानीय रोग का मतलब यह है कि इस प्रकार के डिजीज के अंदर प्लांट का कोई एक क्षेत्र, कोई भाग है, वहां पर ये स्थानीय लोकेशन है उसकी, और उस लोकेशन पर ही इस डिजीज का जो है वो इफेक्ट वहां पर हमें दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे कि पादप के अंदर ये डिजीज सिर्फ कहां पर हो रही है, लीफ पर ही हो रही है या उसके पुष्पक्रम पर हो रही है, इनफ्लोरेसेंस पर, पुष्पक्रम पर। तो ये लोकलाइज्ड डिजीज का एग्जाम्पल है कि डिजीज का जो इफेक्ट है परपोसी पर, होस्ट पर, वो कहां हो रहा है, या तो उसकी लीफ पर हो रहा है या उसके इनफ्लोरेसेंस पर हो रहा है या उसकी रूट पर या उसके स्टेम पर या ओवरी में, तो इसको कहते हैं हम लोकलाइज्ड। दूसरा जो है उसको बोलते हैं हम सिस्टेमिक डिजीज। दूसरा जो टाइप है इसके अंदर उसका नाम है सिस्टेमिक डिजीज। इसका मतलब होता है सर्वांग रोग का मतलब है कि इस प्रकार के डिजीज के अंदर जो डिजीज का इफेक्ट है उस होस्ट के ऊपर यानी उस प्लांट बॉडी के ऊपर, वो संपूर्ण टोटल जो प्लांट है, टोटल प्लांट के ऊपर जो है वो होता है या दिखाई देता है। तो इस प्रकार से पहला जो डिजीज का जो टाइप था, वर्गीकरण था, वो था परपोसी में प्रभाव या उसके इफेक्ट के आधार पर। अब हम बात करते हैं रोगों के प्रसार व निरंतरता के आधार पर। रोगों के प्रसार एवं निरंतरता के आधार पर, दूसरा रोगों के प्रसार एवं निरंतरता के आधार पर, ये दूसरा वर्गीकरण है जिसके अंदर हम बात करेंगे कि रोगों का प्रसार प्लांट के अंदर
जो डिजीज है वो किस प्रकार से फैलती है और उसका हम कंटिन्यूटी जो है उसकी किस प्रकार से होती है। तो इसके अंदर हम पहला जो टाइप पढ़ेंगे उसका नाम है सॉइल बॉर्न डिजीज। क्या है पहला जो टाइप है? वो है सॉइल बॉर्न डिजीज। इसको हिंदी में कहा जाता है मृदोड़ रोग, यानी कि मृदा के द्वारा मृदोड़ रोग। इसके अंदर डिजीज का जो प्रसार है और उसकी निरंतरता है वो किसकी वजह से होती है? सॉइल के अंदर, यानी कि जो मृदा है सॉइल है उसके अंदर पहले से ही कोई पैथोजन जो है वो उपस्थित है और ये सॉइल से उस प्लांट के अंदर जो है वो क्या करता है, प्रसार करता है या वहां पर पहुंचता है। इसका यदि हम एग्जांपल दें तो अपने सिलेबस के अंदर है एक डिजीज जिसका नाम है ग्रीन डिजीज, ग्रीन ईयर ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, बाजरे का हरित वाली रोग। ये इसका एक एग्जांपल है, अपने सिलेबस में है, इसको हम आगे के जो क्लासेस हैं उसके अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करें दूसरा जिसका नाम है सीड बॉर्न डिजीज। दूसरा जो प्रसार का कारण है वो है इसके अंदर सीड बॉर्न डिजीज, यानी कि बीजोड़ बीजोड़ रोग। ये बीज के द्वारा बीजोड़ रोग, ये जो है वो सीड के द्वारा ये डिजीज जो है वो क्या होती है, उत्पन्न होती है या प्रसारित होती है। मान लीजिए कोई सीड है पहले से ही वो क्या है, रोग रहित है, उसके अंदर पहले से ही कोई पैथोजन उपस्थित है। जब इस सीड को हम जर्मिनेट करते हैं सॉइल के अंदर, इसको उगाया जाता है जमीन में, तो उस टाइम ये जो इसके अंदर पैथोजन है वो भी अपनी क्या करता है, ग्रोथ करना शुरू कर देता है और ये धीरे धीरे उस पादप को क्या कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है यानी संक्रमित कर देता है। तो इसका जो एग्जाम्पल हम बात करें अपने सिलेबस के अंदर है ये डिजीज जिसका नाम है समट डिजीज ऑफ वीट, गेहूं का कंड रोग। क्या नाम है इसका? गेहूं का कंड रोग। ये हम बात करेंगे, ये भी अपने सिलेबस में है, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये कैसी डिजीज है? ये डिजीज है कैसी? सीड बॉर्न डिजीज है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं जिसका नाम है एयर बॉर्न डिजीज। तीसरा जो है वो क्या है? एयर, वायु के द्वारा। थर्ड जो है वो है AIR, एयर बॉर्न डिजीज। कुछ डिजीज ऐसी हैं, कुछ प्लांट डिजीज ऐसी हैं जो वायु के द्वारा, वायु के अंदर जो पैथोजन है वो प्रसार करते हैं, वो प्लांट के अंदर जो है वो डिजीज उत्पन्न करते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है वो है ब्लैक रस्ट डिजीज ऑफ वीट। ठीक है, गेहूं का काला किट रोग, ये भी एक डिजीज है जो किसके द्वारा होती है, वायु के द्वारा जो है ये उत्पन्न होती है। तो ये है दूसरा टाइप, पहला हमने पढ़ा परपोषी में प्रभाव के आधार पर, दूसरा था रोगों के प्रसार एवं निरंतरता के आधार पर। अब हम बात करते हैं रोग के लक्षणों के आधार पर। तीसरा जो टाइप है वो है सिम्टम्स के आधार पर, डिजीज के जो सिम्टम्स हैं उनके आधार पर प्लांट डिजीज के टाइप्स या क्लासिफिकेशन। तो थर्ड जो है वो क्या है? रोगों के लक्षणों, जिसको हम बोलते हैं सिम्टम्स
सिम्टम्स के आधार पर, यानी डिजीज प्लांट के अंदर जब हो जाती है तो हमें किस प्रकार से, किस प्रकार के उसके अंदर हमें लक्षण या सिम्टम्स जो है वो दिखाई देते हैं। तो देखिए पहला जो है वो है रस्ट या किट, जिसको बोलते हैं हम, पहला क्या है किट या रस्ट। तो इसके अंदर हम बात करते हैं, जैसे कि हम बात करें, अभी हमने पढ़ा था गेहूं का काला किट रोग, ये तो ये है। दूसरा यदि हम एग्जांपल दें, हमने बात की थी किसके अंदर, एल्गोगो कैंडिडा के द्वारा, किसके ऊपर, सरसों के ऊपर, तो ये सरसों के ऊपर जो है वो सरसों का श्वेत किट रोग। तो ये क्या है, एक प्रकार की रस्ट डिजीज है, और ये रस्ट डिजीज के अंदर हमें ब्लैक, ये काला है, ये व्हाइट है, तो हमें यहाँ ये पाउडर के रूप में जो है ये हमें, इसके चूर्ण के रूप में ये हमें पत्तियों के ऊपर, या हम बात करें प्लांट के ऊपर जो है वो हमें ये दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार की डिजीज जो पाउडर के रूप में, चाहे वो ब्लैक है चाहे वो व्हाइट कलर की है, तो इसको बोला जाता है रस्ट डिजीज। दूसरी डिजीज के बारे में हम बात करें तो उसका नाम है समट। हमने बात की थी अभी, जैसे कि समट डिजीज ऑफ रीट, तो इसको बोलते हैं हिंदी में कंड रोग, और ये अपने सिलेबस के अंदर है, जिसमें लूज समट ऑफ वीट और कवर्ड समट ऑफ बार्ले, जौ का आवर्त और गेहूं का अनावर्त कंड रोग। तो कंड के अंदर यहां हम बात करते हैं, इसके अंदर ये ब्लैक कलर के पाउडर के रूप में ओवरी के अंदर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं विकसित होती है, जिसको कहा जाता है क्या, समट डिजीज। तो इसका एग्जांपल यदि हम देना चाहें तो देखिए, समट डिजीज ऑफ वीट, ठीक है, ये है। इसी प्रकार से रोगों के सिम्टम्स के आधार पर और भी कुछ डिजीज हैं, जिनके बारे में कल चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।